नाइट द्वारा आयोजित लखनऊ फैशन वीक एक ऐसा शहर का बड़ा इवेंट जो कि नवाबपुरी शहर लखनऊ में आयोजित हो रहा है, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी मॉडल के साथ जो कि बेसिकली कानपुर से है, और कानपुर से एक सफर शुरू करते करते सीढ़ी दर चढ़ते चढ़ते इस वक्त उनके हाथ में मिस दिल्ली का भी खिताब आ चुका है। बात करते हैं उनसे और जानते हैं नंदनी से, क्या अभी तक उनका लखनऊ फैशन वीक में सारा एंगेजमेंट रहा, कैसा क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, बहुत बहुत स्वागत है कैसा एक्सपीरियंस। बहुत ही ज़्यादा पहली बात तो बहुत ही अच्छा लगा, न्यू न्यू ड्रेसेस, न्यू न्यू डिज़ाइनर की ड्रेसेस एंड काफ़ी सारे डिज़ाइनर भी हैं, 55 ऐसी डिज़ाइनर हैं, देन सब मुझे सो स्टॉपर भी कर रहे हैं वो, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सारे लोगों से सीखने को मिल रहा है, जो बड़े हैं उनसे, जो उनसे सीनियर है और जूनियर उन हर किसी से सीखने को बहुत अच्छा लग रहा है। देन ये मेरा सेकेंड टाइम था जो कि मैं लखनऊ फैशन वीक कर रही हूँ, बहुत अच्छा। नंदनी कोई ऐसा आखिरी मैसेज आप देना चाहोगे खासतौर पे अपने उत्तर प्रदेश के लड़कियों के लिए जो कि अभी भी अपने होम सिकनेस की वजह से चीज अपने शहर को नहीं छोड़ पा रही है, पढ़ने के लिए उनको चांस तो मिलता है मगर उतने एफर्ट नहीं हो पा रहे। एक्चुअल में ये होता है हमारे एक तो होते हैं कि मम्मी डैडी भी बच्चों को छोड़ देते हैं कि कोई नहीं बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो अच्छी बातें कर रहा है बट वो उसके और गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो ये होता है ना कि फिर मम्मा डैडी फिर सोचते हैं कि जब वो गलत ही कर रहे हैं तो फिर इस वजह से मम्मा डैडी कोई भी नहीं ट्रस्ट कर पाते कि उसे हम बाहर भेजिए या कुछ करें, बस मेन ये होता है कि अगर हम किसी को भी छूट देते हैं ना कुछ ज़्यादा ही उम्मीद होता है तो ये ज़्यादा ही मिल जाती है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर मम्मी डैडी ओके, ये थी हमारे साथ नंदी जिन्होंने बताया कि अगर हमें अपने छोटे से शहर से शुरुआत करनी, क्योंकि कोई भी शहर, कोई भी जगह, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ के अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं, तो नंदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा अगर आपके सपने बड़े हैं तो उसको उड़ान दीजिए, ये अपने आप में काफ़ी अहम बात होगी। इसी के साथ कैमरामैन रजत के साथ आकाश इंडिया लाइव टीवी लखनऊ उत्तर प्रदेश।